हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में किताबों पर अनमोल विचार बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ये पार्ट टू है, पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों की कहानी जिसका सिर्फ बच्चा आनंद उठा सके वो बिल्कुल भी अच्छे बच्चों की कहानी नहीं है। यदि कोई ऐसी बुक है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो पर वो अभी लिखी ही नहीं गई है तो तुम्हें उसे जरूर लिखना चाहिए। किताबें मित्रों में सबसे शांत और स्थिर है, सलाहकारों में सबसे सुलभ और बुद्धिमान है, और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान है। मैं सबके सामने घोषणा करता हूँ, पढ़ने जैसा कोई आनंद नहीं है। क्लासिक एक ऐसी किताब है जिसके लोग प्रशंसा करते और पढ़ते नहीं। एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी किताबें पढ़ने में सावधान रहिए, आप एक मुद्रण त्रुटि से मर सकते हैं। यदि आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो बाकी सभी पढ़ रहे हैं तो आप वही सोच पाएंगे जो बाकी सभी सोच रहे हैं। पढ़ने की मजबूरी ना हो तब आप क्या पढ़ते हैं यही निर्धारित करेगा कि आप जब आपके बस में ना हो तब आप क्या बनेंगे। टेलीविजन बहुत शिक्षित करने वाला लगता नहीं, हर बार जब कोई इसे चलाता है तो मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ और एक किताब पढ़ता हूँ। मैंने हमेशा कल्पना की है कि स्वर्ग एक तरह का पुस्तकालय है, अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और साफ अंतःकरण, यही आदर्श जीवन है। पुरुष हो या महिला, जिसे एक अच्छा उपन्यास पढ़ने में आनंद न आए वो निश्चित रूप से बहुत मूर्ख होगा। इतनी अधिक किताबें इतना कम समय, बिना किताबों के कमरा बिना आत्मा के शरीर के समान है।